गोंदिया जिला पुलिस द्वारा जनहित में जारी। आज जैसा मेरी फ्रेंड के साथ हुआ वैसा आपके भी साथ हो सकता है या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ हो सकता है अगर आप साइबर सेल से अवेयर नहीं है तो प्लीज सतर्क रहिए। तो दोस्तों, इस तरह के किसी भी फ्रॉड के जो सक्सेस होने का रीजन होता है वो होता है सामने वाले का लालच। तो आपको कोई ऐसे भी कोई भी लालच दे रहा है, जैसे कोई आपको लिंक कर रही है, आपको रजिस्ट्रेशन करने बोल रहा है आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, कोई भी ऑफर दे रहा है, तो हम लालच में आ जाते हैं, हमको लगता है हमारा फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए हम उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड अगर वो लोग कुछ मांग रहे हैं तो हम दे देते हैं, हमें लगता है फ़ायदा होगा, लेकिन हमें उससे लॉस हो जाता है। कभी कभी लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि मेंटल इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो हम इस वीडियो के थ्रू आप तक यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी किसी भी अजनबी को या किसी पहचान वाले को भी ना दे, जब तक आप उन पर बहुत भरोसा नहीं करते हैं तो आप किसी को ना दे। और जैसे मेरे साथ अभी हुआ, मैं लालच में आ गई और अपने इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी और 10,000 तो अपने हाथों से उन्हें ट्रांसफ़र किया है, मुझे 50,000 का लॉस हो गया। इससे ज़्यादा का भी हो सकता था और आज मेरे साथ हुआ है, किसी के भी साथ हो सकता है, तो ऐसा आप ना करें। आजकल सोशल मीडिया से ऐसे क्राइम होना मामूली बात हो गई है, इसलिए आपको ऐसे क्राइम होने से पहले सतर्क होना पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए, अपने भाई बहन और परिवार के सभी सदस्यों के साथ शेयर करिए ताकि उनके साथ भी ऐसा क्राइम होने के पहले वो सतर्क हो जाए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। सतर्क रहेगा इंडिया, तभी तो तरक्की करेगा इंडिया।